अगर मैं आपसे ये कहूं कि ये प्रॉब्लम्स आजकल की यूनिवर्सल प्रॉब्लम्स है, तो शायद ये गलत नहीं होगा। ऐसा शायद ही कोई होगा जो किसी न किसी तरह की हेयर या स्कैल्प रिलेटेड प्रॉब्लम से परेशान न हो। वैसे तो हम सब चाहते हैं कि हमारे बाल हेल्दी और ब्यूटीफुल हो, और ऐसे बालों को अचीव करने के लिए हम बहुत कुछ ट्राई करते रहते हैं। लेकिन मेरे एक्सपीरियंस में मैंने जाना कि नेचुरल रेमेडीज हमारे हेयर और स्किन के लिए कितने इफेक्टिव होते हैं, और इम्पॉर्टेंटली इनके कोई साइड इफेक्ट्स भी नहीं होते। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि इनकी कोई मार्केटिंग नहीं होती, राइट? ऐसे में बहुत सारे ऐसे यंगस्टर्स हैं जिनको ये नहीं पता होता कि ऐसी भी कोई चीज़ होती है जो ये सिंपल हेयर और स्किन रिलेटेड इश्यूज को इजीली सॉल्व कर सकते हैं। तो आज हम ऐसे ही एक मैजिकल रेमेडी के बारे में जानेंगे जो आपकी हर तरह की हेयर प्रॉब्लम को ट्रीट कर सकता है। आपके बालों की ड्राइनेस और फ्रिज को दूर करने के लिए कैस्टर ऑयल एक बेस्ट होम रेमेडी हो सकती है। वैसे तो कैस्टर ऑयल सिर्फ हेयर के लिए ही नहीं, बल्कि ये हमारी स्किन और हेल्थ के लिए भी काफी बेनिफिशियल होता है। इसमें एंटीवायरल, एंटीमाइक्रोबियल प्रॉपर्टीज होते हैं जो बालों की ग्रोथ के लिए एसेंशियल होते हैं। यूजुअली ये क्लियर या पेल येलो कलर में होता है, लेकिन अगर ऑयल रोस्टेड कैस्टर बीन से निकाला गया है तो ये कभी आपको ब्लैक कलर में भी दिख जाएगा, जिसे ब्लैक कैस्टर ऑयल कहते हैं। वैसे तो ये ऑयल बेनिफिशियल होता है, बट इसके सीड्स या बीन्स पॉइजनस हो सकते हैं, तो इसे कंज्यूम ना करें। दूसरी ऑयल्स की तरह कैस्टर ऑयल आपके हेयर और स्कैल्प को मॉइस्चर प्रोवाइड करता है। इसमें एसेंशियल अमाइनो एसिड जैसे रिसिनोलिक एसिड होता है, जो कि एक नेचुरल इमोलिएंट है। अगर आपके बाल ड्राई और फ्रिजी है तो ये इन्हें सॉफ्ट और स्मूथ बना और हेयर स्ट्रैंड्स में मॉइस्चर को लॉक करता है। इसमें ओमेगा 6, ओमेगा 9 फैटी एसिड्स और विटामिन ई होता है, जो हमारे हेयर और स्कैल्प को नरिश करता है, और ये इंश्योर करता है कि बालों की नॉर्मल ग्रोइंग और रेस्टिंग साइकिल मेंटेन रहे। कैस्टर ऑयल एक नेचुरल कंडीशनर भी है जो आपके बालों को हेल्दी, शाइनी और सॉफ्ट बनाए रखता है। इस ऑयल में ओलेइक और लिनोलेइक एसिड होता है, जो आपके बालों से फ्रिज को हटाता है। इस ऑयल से मसाज करने से ब्लड सर्कुलेशन इम्प्रूव होता है और इससे हेयर ग्रोथ होता है। कोकोनट ऑयल एक वाइडली यूज्ड ऑयल है, जिसे हम स्किन केयर और हेयर केयर के लिए यूज करते हैं। इसमें एंटी बैक्टीरियल, एंटी फंगल प्रॉपर्टीज होते हैं। कोकोनट ऑयल एक कोटिंग फॉर्म करता है हमारे हेयर शाफ्ट पर, हमारे क्यूटिकल्स को सील करके हमारे बालों में मॉइस्चर लॉक करता है। कोकोनट ऑयल आपके बालों में इजिली पेनेट्रेट कर सकता है। कोकोनट ऑयल में विटामिन ई और फैटी एसिड्स होते हैं। अब क्योंकि ये ऑयल आपके बालों में इजीली पेनेट्रेट कर सकता है, तो ये आपके बालों को नरिश भी करता है। अगर आपके बाल स्टाइलिंग और एक्सेसिव हीट ट्रीटमेंट के दौरान डैमेज हो गए हैं, तो ये उसे भी ट्रीट करता है। कोकोनट ऑयल को आप ओवरनाइट भी लगा सकते हो। अगर आप स्विमिंग करते हो और अपने बालों को स्विमिंग के दौरान प्रोटेक्ट करना चाहते हो, तो कोकोनट ऑयल इज द बेस्ट। तो अब इस ऑयल मिक्स को बनाने के लिए 1 पार्ट कोकोनट ऑयल और 1 पार्ट कैस्टर ऑयल को हम एक बोल में मिक्स कर लेंगे। अगर आप इसे हल्का सा गुनगुना कर लेते हैं तो एप्लीकेशन इजी हो जाएगी। इस ऑयल को अपने बालों में लगाने से पहले आप कुछ ड्रॉप्स रोजमेरी एसेंशियल ऑयल के भी ऐड कर लें। रोजमेरी एसेंशियल ऑयल हमारे बालों के लिए एक्सेलेंट माना जाता है। ये हमारे बालों की ग्रोथ की स्पीड को बढ़ाता है। अब इस ऑयल को अपने बालों में लगाकर आप ओवरनाइट रहने दे सकते हो तो ज्यादा बेटर होगा, या आप इसे शैम्पू करने से एटलीस्ट और 30 मिनट्स तक इस ऑयल को अपने बालों में रहने दे। उसके बाद आप नॉर्मल शैम्पू से अपने बालों को वॉश कर सकते हो। इस ऑयल को रेगुलरली यूज करने से आप कुछ चीजें नोटिस करना शुरू करोगे, जैसे आपके बाल शैम्पू करते वक्त कम टूटेंगे, हेयर ग्रोथ बढ़ेगी और आपके बाल ज्यादा मैनेजेबल लगने लगेंगे। अगर आप इस रेमेडी को यूज कर रहे हो, अगर आपको इससे रिजल्ट्स मिल रहे हैं, तो कमेंट्स में आकर के अपने एक्सपीरियंस को शेयर जरूर करें। इससे दूसरों की हेल्प होगी। दैट्स इट फॉर टुडे।
रेमेडी अगर पसंद आई है तो इसे एक लाइक जरूर करें, और ऐसे ही यूजफुल और इफेक्टिव इन्फॉर्मेशन के लिए रीवा फूड्स को सब्सक्राइब करें। अपना ख्याल रखें, अपनी डाइट से जंक को दूर रखें। मैं मिलती हूँ आपसे अपने अगले वीडियो में एट रीवा फूड्स।